अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू शेक्स फैम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं सबसे पहले फिजाने मदीना, हमारे होटल के पास ही है, वहाँ पे जाएंगे, थोड़े देर वहाँ पे बैठेंगे एक डेढ़ घंटा, फिर उसके बाद एक्सपो जाएंगे और फिर आगे के प्लान आपको वीडियो में पता लग जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं फिजाने मदीना। अब हम फिजाने मदीना पहुँच गए हैं, अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं सारा फिजाने मदीना। ये जी फिजाने मदीना एंटर होते ही ये इत्र वगैरह और इस तरह की ये तस्बी टोपी, इन सब की दुकानें छोटी छोटी बनाई हुई हैं। ये देखें टोपियाँ, ये टेलर वगैरह भी है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन सब के लिए सारा कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। यूनाइटेड किंग ये सारा यहाँ पे बनाया हुआ है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं सालों साल उनके लिए सारी सहूलियतें हैं। ये छोटा सा जनरल स्टोर टाइप भी बनाया हुआ है, परफ्यूम शॉप, ये सूट की दुकान, साथ ही टेलर है। ये कोर एरिया बना हुआ है, ये सारा मकतब है इनका, इधर से आपको किताबें सारी मिलेंगी। यार मैं तो ये देख के हैरान हूँ, इन्होंने फिजाने मदीना में एक अपना छोटा सा शहर आबाद कर लिया, इसमें एटीएम्स भी हैं। फिजाने मदीना में एटीएम्स हैं, एमसीबी की है, एक दो बैंक्स और की हैं, ये एक इनका अपना बैंक है इस्लामी बैंक। ये है जी सारा अंदर फिजाने मदीना, ऊपर मस्जिद है इनकी सारी, बहुत बड़ी, बहुत बड़े एरिया पर इन्होंने बनाया हुआ है। पहले बाहर सारी वो दुकानें बनी हुई हैं, उसके अलावा ये मस्जिद ही इतनी बड़ी है, और भी है ये पीछे बहुत बड़ा बना हुआ है और मुसलसल बन रहा है। ये देखें ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये है जी अंदर सारी मस्जिद, बहुत बड़ी बनी हुई है मस्जिद, बहुत ज़्यादा एरिया पे बनी हुई है। इसके बाहर सेन भी है, लेकिन ये जो अंदर है ना मस्जिद, यही बहुत बड़ी है। अभी हम रिसेप्शन पे हैं, यहाँ से ऊपर चलते हैं जहाँ पे सारे स्टूडियोज़ हैं। यार ये है वो जगह जहाँ से सारे प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं, तीन चैनल्स यहाँ से चल रहे हैं, मदनी चैनल इंग्लिश, मदनी चैनल उर्दू और बंगला, तीन चैनल्स इस जगह से चल रहे हैं। ये सारे स्टूडियोज़ हैं, साउंड स्टूडियो, ग्राफिक एंड एनिमेशन के स्टूडियो, डाटा सेंटर का स्टूडियो। यार अभी हम एक सेट पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है और अब्दुल हबीब अतारी ने भी आना था इस प्रोग्राम में, तो हमने कहा क्यों ना उनसे मुलाकात कर ली जाए, और फिजाने मदीना आने की मेन वजह भी यही थी। किसी तरीके से कि एक सवाल ये था कि आपके अलावा आपके और भी भाई है? जी मेरा एक ही, ठीक है, उनका नाम है माशाल्लाह। उसमें आपकी ये बार बार गुजारिश आ रही है कि आप जो है ये कलाम स्टूडियो पर जाए, अगर कोई कहता मेरा क्या काम, मैं मतलब कैसा नाकमा होता है माशा मुझे अंदाज होता है, क्या काम करवा दें, अच्छा हिम्मत करके मैंने करवा लिया, अच्छा मुझे इतनी भी कोशिश आ रही है, फिर उसके बाद इन्हीं का मशवरा है, किसी और मशवरा है कि बस ग्यारहवीं शुरू कर रही है, तो आप मैनु शौक मदीने जान मेरे दिल हसरत हो आका तेरी मर्जी साडा पे मदीने जावरदा मेरे दिल विच हसरत से। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हमने अब्दुल हबीब अतारी के साथ पिक्चर्स दी और साथ जो प्रोग्राम होस्ट कर रहे थे उनके साथ, और ये हमारी अपनी पिक्चर है। यार अब यहाँ से वापस जा रहे हैं, अब्दुल हबीब अतारी से मुलाकात भी हो गई और बाकी सब से भी मिल लिया, अब वापस चलते हैं। तो यार अब हम यहाँ से जा रहे हैं एक्सपो और फिर वहाँ पर जाके आपसे मिलता हूँ। सो यार एक्सपो हम पहुँच गए, आ गए यार अंदर, अपने स्टॉल पर बैठते हैं थोड़ी देर,
फिर उसके बाद वैसे ही बंद होने वाला है, 6 बजे बंद हो जाता है, थोड़ा टाइम रह गया। तो अभी हम इधर सारा फिर रहे हैं और अभी जाके मैं अपने स्टॉल पे बैठ जाऊँगा। मैं बोर हो रहा था बैठे बैठे, मैं कहा ज़रा थोड़ा बहुत फिर आ लेते हैं। आज वैसे बाय द वे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं क्योंकि आज पब्लिक डे था और साथ सैटरडे है, तो इस वजह से आज बहुत ज़्यादा रश है यार। एक्सपो पे स्टॉल क्लोज कर दिया, 6:30 हो गए हैं। अब यहाँ से पता नहीं किधर जा रहे हैं, अभी कोई प्लान डिसाइड नहीं हुआ हुआ। जैसे ही प्लान को डिसाइड होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी यार होटल आ गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं होटल में और फिर आगे के प्लान्स आपको अगली वीडियो में पता लगेंगे। अंदर चलते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। सो यार इस वीडियो यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, होटल हम आ गए हैं। और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ना।